हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पल्सर 200 NS का रियर डिस्क ब्रेक का ऑयल कैसे चेंज करना है। ठीक है, ऑयल कैसे चेंज करना है, उसके लिए करना क्या है, हमें सबसे पहले ये स्क्रू खोलना है, ये वाला। ठीक है, ये चार मुंह वाले पेचकस से कसा हुआ है, इसको खोलना है। और मुझे ये वाला डिस्क ब्रेक ऑयल में लेकर के आया हूँ फ्रेंड। देखिए, ये KBX का है, डॉट फोर डिस्क ब्रेक ऑयल ही यूज़ करें। बाइक के दुकान पर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ये किसी भी कार वाली शॉप पर जा कर के आप सबसे छोटा पैक खरीद सकते हो। ये मैं लेकर के आया हूँ, 250 ml का ये पैक है, इसकी कॉस्ट लगभग 110 रुपये पड़ी है मुझे। और ये हमारे एक बाइक के लिए, दोनों डिस्क ब्रेक के लिए सफिशेंट होता है। चलिए मैं इसको खोलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पेज खोल लीजिए या फिर ये दसमा, मैं दसमा का खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी डिब्बी क्लीन नहीं करनी है, अगर गंदी निकलती है तो इस डिब्बी को क्लीन नहीं करनी है। ये इसको खोल लिया ने, तो डिब्बी नीचे करके इसको क्लीन भी करनी है, इसलिए मैं इसको 10 नंबर के बोल्ट से खोल रहा हूँ। देखिए, खोल लिया। अब क्या खोलने से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मुझे इस पर काम करने में। देखिए, इसको दिखाता हूँ डिस्क ब्रेक ऑयल कैसे हालत में, अभी तो मुझे भी नहीं पता कैसे हालत में हुआ, फिर भी चलिए देखते हैं है या नहीं, कितना है कैसा है। देखिए, ये निकाल लिया है, हटा देते हैं और ये हटा दें। देखिए, ये बिल्कुल वाइट कलर का होता है और ये काला हुआ पड़ा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा। अगर मैं इसको थोड़े और टाइम और छोड़ देता, ना देखता आज, तो ये 100% चौक हो जाता। देखिए, इसमें कितनी गंदगी है, अंदर दिख रही है गंदगी। चलिए, सारे ऑयल को निकालते हैं और फिर बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप हमें करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लगा हुआ था, ये एक स्क्रू, ये थे एक स्क्रू खोल लिया ना यहाँ से, और ये एक 2 नंबर का स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ, ये खोल दिया, ये यहाँ पर कसा हुआ था, ये निकालिए। अब मैं इसको पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ भी कर लूँगा और अच्छे से इसमें काम भी कर लूँगा। और देखिए, मैंने खोला क्यों था आपको दिखाऊँ, ये ऐसा हुआ पड़ा है गंदगी इसमें, मैंने इसमें एक बार देखा था, देखिए कितनी ज़्यादा रस्ट भरी है, इसलिए मैंने इसको खोला ताकि मैं इसको, देखिए इसमें कितनी रस्ट भरी है, इसलिए मैंने इसको खोला ताकि मैं इसको पेट्रोल से साफ़ कर पाऊँ अच्छे से और फिर फिट करूँगा। जब खोल आइए तो अच्छे से काम हो जाए, इसलिए मैंने ये काम करा था, खोला था, वरना खोलने की ऐसी ज़रूरत नहीं थी। खाली ये ढक्कन खोल कर यहाँ से ऑयल निकाल के और यहाँ से ऑयल निकाल के भी करा जा सकता, बट मुझे ये था ये क्लीन करना है इसलिए मैंने खोला। ठीक है, चलिए मैं ये इसको खोलता हूँ, फिर इसको साफ़ करके बताता हूँ आपको। देखिए, ये सब मैंने खोल लिया है, ये वाला पाइप मैंने निकाल लिया है यहाँ से, ये इसका फुटरेस्ट जो था ये मैंने साइड में रख दिया, इसको पेट्रोल से वॉश कर लूँगा सभी गंदगी, अब खुला ये तो गंदगी भी साफ़ हो जाएगी। ठीक है, ये सब साफ़ कर लूँगा। और ये मैंने, ये पंप है, ये पाइप यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, ये मैंने पंप बाहर निकाल लिया, इसको ज़रा मैं वॉश करूँगा। ठीक है, सबको, और इसके पाइप चौक तो नहीं है, ये भी क्लीन करूँगा, थोड़ा सा फूंक मार के पेट्रोल डाल के हल्का सा, ये काम मैंने इसलिए खोला। और जब मैंने पाइप निकाला, देखिए इसमें कितनी गंदगी भरी हुई थी, देखिए दिख रहा होगा आपको, देखिए इसमें गंदगी थी काफ़ी, तो ये मुझे क्लीन करना है। ठीक है, ये क्लीन करना है और ये इसको पेट्रोल से वॉश करना है, सब कुछ रस्ट आई हुई है। ठीक है, ये सब काम करता हूँ मैं, और इसके सारे रबड़ वगैरह होती है ये सब वॉश करता हूँ। ठीक है, इन सबको क्लीन करके मैं फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब चीज़ साफ़ कर ली, इसमें मैं आप यकीन मानो उस पाइप के अंदर बहुत गंदगी निकली थी। मैंने इसके यहाँ पर पेट्रोल भर के और मुंह से फूंक मार के जब मैंने निकाला, तो इस पाइप के अंदर से बहुत ज़्यादा गंदगी निकली। ठीक है, तो मेरा ये काम करना पड़ा, ये साली रबड़ वगैरह सब रबड़ वगैरह मैंने वॉश कर लिए, धो लिए सब भी, और पिस्टन में यहाँ से फूंक मार करके या प्रेशर मार करके ये सारी गंदगी यहाँ से निकाली मैंने, बहुत इसमें भी काफ़ी गंदगी निकली। अब देखिए कितना गंदा हो रहा था, रस्टेड हो रहा था, ये सब मैंने साफ़ कराया। अब सब चीज़ें फिट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने इसमें पाइप लगा लिया है। ठीक है, और ये रॉड इसके अंदर जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जाने से पहले इस पर ग्रीस लगा लें पूरे, ताकि ये रस्टेड ना हो। ठीक है, इस तरह से इस पर ग्रीस लगाने का मतलब ये है, इस पर कभी आगे जंग नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए बाकी मैं फिट करता हूँ, ये बात बताने रही थी, चलिए बाकी फिट करके आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये मैंने फिट कर लिया, ये रबड़ लगा दी। ठीक है, ये रबड़ लगा दी और ये फिट कर लिया। अब इसमें ये फिट करके इसको दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ फिट कर दिया, ये सब फिट कर दिया, ये फिट कर दिया, सब कुछ फिट कर लिया। इसको ऑन कर देते हैं।
देखिए सब कुछ फिट कर लिया, ये कर दिया और ये टैंक भी फिट कर दिया इसका, ठीक है। इसमें हम ऑयल भरेंगे और ये स्विच था ये भी कस दिया, सब कुछ लगा दिया परफेक्टली, सब ग्रीस वगैरह अंदर लगा दिए, साफ क्लीन कर दिया, बस ये लगाना है। आप एक बात बताइए, देखिए इसके अंदर दिखाता हूँ आपको कितना गंदा ऑयल है, देखिए इसके अंदर देखिए कितना गंदा ऑयल है। ये निकालना का तरीका ये है, यहाँ से 10 नंबर चाबी है, इसको ढीला करते हैं और ये पहले तो इसको ये लगा देते हैं, पेच कर देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे, पूरा ऑयल इसका निकालेंगे प्रेशर डाल करके, फिर बता दूँगा आपको। देखिए मैं 11 नंबर की, देखिए मैं 11 नंबर की चाबी लेनी है, इसको ढीला करते हैं, ठीक है, ढीला ही रहने देते हैं इसको। और इसका ये स्क्रू कसते हैं, देखिए बाहर से इसमें पीछे लगा हुआ है, याद रखें बाहर से लगा हुआ पीछे, दोनों तरफ बाहर से लगा होता है। इस पेज को कसते हैं, ठीक है, मैं कस के लेता हूँ फिर आपको। देखिए मैं ऑयल यूज़ करने वाला हूँ ये KBX का .4, ठीक है, चलिए फिल करते हैं, दिखाता हूँ आपको। आपने जब मैंने निकाल के दिखाया था कैसी कंडीशन में था, मैं देख लिया होगा। अब देखिए ये वाइट है, हल्का सा येलो है, देखिए भर चुका है, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर हमारा वही, इसको पुश करें, देखिए गंदगी गंदा ऑयल निकल रहा है इसमें से, और यही काम करना हमें। देखिए एक बार निकल जाओ, आप क्या करना, पहले तो मैं देखिए ये कर दिया। अब देखिए मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ, देखिए लीवर दबाए रखना है, फिर बाद में ये आला उसको टाइट करना है इस तरह से, ये आला उसको टाइट करना है, टाइट कर दिया, ठीक है। और फिर लीवर छोड़ देना है और फिर दबाना है और इसको फिर ढीला करना है, ठीक है, इस तरह से करना है। थोड़ा सा एक बार तो ऑयल पूरा निकाल देते हैं ताकि गंदगी सब निकल जाए, जब ऑयल ख़त्म हो जाए फिर दोबारा फिल करके इसका प्रेशर बना के बंद करेंगे हम लोग। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, करने के बाद आता हूँ आपके पास। देखिए मैंने एक बार का सारा ऑयल ख़त्म कर दिया है, देखिए सब निकल चुका है गंदगी, जहाँ तक मेरे ख्याल है एक निकल चुकी है, एक बार और मैं फिल करके एक बार और निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए मैंने इसको दोबारा फिल कर लिया और इसको पूरा टाइट कर दिया, अब प्रेशर बिल्कुल बंदा अच्छा खासा। एक बार और आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसको ढीला करें, हल्का सा ढीला हो गया, ठीक है। और इसको ये दबाना है, देखिए अब साफ ऑयल निकलने लग गया, ठीक है, दबा के रखना है और उसको स्विच को टाइट करना है। दो लीवर मैंने दबा रखा है फाइनली, और स्विच को टाइट करना है। देखिए मैं कर चुका, सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, अब ये ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको ढक्कन बंद कर देते हैं, चलिए इसका लेवल काफ़ी है, और इसकी ये रबड़ लगाते हैं, इसकी रबड़ लगाते हैं, ज़्यादा भरा हुआ है सर, कोई बात नहीं, निकल रहा तो निकल जाने भी, निकलना तो है ही, ठीक है। बाद में मुझे गाड़ी धोनी है इसलिए मैं कोई ज़्यादा फिक्र कर नहीं रहा उसमें गंदगी की। इस कैप को मैंने बंद कर दिया कस के, बंद कर दिया। यहाँ पे 10 नंबर का स्क्रू है, ये 10 सॉरी नहीं, यहाँ पे ये स्क्रू कस देता हूँ, काम कंप्लीट हो चुका ये इस तरह से। देखिए मैंने ये स्क्रू कस दिया, देखिए मैंने स्क्रू कस दिया, सब काम कंप्लीट हो चुका है, ब्रेक में ऑयल फिल हो चुका है, ये था पिछले पहिए में। चलिए अब मैं इसको धो करके रख दूँगा और पहले बाइक को चला करके देखूँगा कि परफॉर्मेंस कैसे, ब्रेक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, और उसके बाद में वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए जब तक के लिए मैं चलता हूँ, और आप को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए।